हेलो व्यूअर्स, दिस इज सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश यूनिट नंबर 15 पार्ट नंबर 3। इसके ऑलरेडी दो पार्ट आ चुके हैं। यूनिट नंबर 15 पार्ट नंबर 3। यूनिट नंबर 15 का नाम है वमेन वमेन एंड स्पोर्ट्स फील्ड। टोटली वीडियो उर्दू में है। अगर आप पश्तो में देखना चाहते हैं तो पुख्तों की कतल गुआड़े प्लेलिस्ट तलाट से अगे की दा वीडियो पुख्तों की ऑलरेडी इश्ता दा बता उस्ताल तब मिलाउशी। ये पेजेस बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पैसिव वॉइस, ऑक्सिलरी वर्ब्स इन पैसिव वॉइस, वाज बीइंग, वर बीइंग। पैसिव वॉइस में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं, वर्ब्स जो मतलब इज आर वाज, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये जो हम यूज़ करेंगे तो वो बीइंग के साथ आएंगे, वाज बीइंग, इज बीइंग, इस टाइप के आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ए करेंगे। से वेदर द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस आर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये वाले एक्टिव है या पैसिव वॉइस है। ओके, सो इसका है द बॉय रियलाइज्ड देयर मिस्टेक। इसमें साफ नजर नहीं आ रहे तो ऐसे ही करेंगे। द बॉय रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस में है। बॉय रियलाइज देयर मिस्टेक, लड़कों को लड़के को अपने द बॉयस। ओके, ये हे यू गो, द बॉयज रियलाइज देयर मिस्टेक, लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये है एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस होगा देयर मिस्टेक वॉज रियलाइज बाय बॉयज। Their mistakes was realized by boys. ऐसे इसको ऐसा होना चाहिए, मिस्टेक वॉज रियलाइज बाय बॉयज। सो देयर मिस्टेक वॉज रियलाइज बाय बॉयज। नंबर टू है गार्बेज इज कलेक्टेड इन लार्ज बिन। लाइक बड़े बड़ी सी जगह में गार्बेज को इकट्ठा किया जाता है। यह है पैसिव वॉइस। लार्ज बिन्स कलेक्ट कर द बायर्स द गार्बेज, लार्ज बिन्स कलेक्ट द गार्बेज। ये इसका एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ये जो था गार्बेज इज कलेक्टेड इन लार्ज बिन, ये पैसिव वॉइस था। इसका एक्टिव वॉइस होगा लार्ज बिन्स कलेक्ट द गार्बेज। लार्ज बिन्स में जिसमें गंद डालते हैं उसको बिन कहते हैं, या कोई भी प्लास्टिक का जो लाइक इस तरह कूड़ा जमा करने वाला जो जो होता है जिसको हम डस्टबिन कहते हैं, उसको बिन कहते हैं। उसमें गार्बेज जमा होता है, गार्बेज बिन में गार्बेज जमा होता है। लार्ज बिन ज़्यादा गार्बेज या बड़े गार्बेज कलेक्टेड इन सॉरी लार्ज बिन बड़े बड़े बिन कलेक्ट द गार्बेज में गार्बेज जाता है, बड़े बिन में गार्बेज जाता है। द बर्थडे गर्ल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट, जिस लड़की की सालगिरह थी उसको बर्थडे कर कहते हैं। सालगिरह वाली लड़की ने डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम की है स्वीट्स मिठाइयाँ। यह है एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस होगा द स्वीट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द बर्थडे गर्ल। नंबर फोर, एन इम्पोर्टेड लेटर वॉज पोस्टेड। एन इम्पोर्टेंट लेटर वॉज पोस्टेड, एन इम्पॉर्टेंट लेटर वॉज पोस्टेड, बहुत अहम ख़त पोस्ट किया गया, लाइक डाकखाने में डाल दिया गया। पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, इस ये जो इम्पॉर्टेंट लेटर है, अहम ख़त है, इसको पोस्ट कर दो। पोस्ट मतलब डाकखाने में डाल दो। द कोर्ट रिफ्यूज हिम बेल, अदालत ने उसको ज़मानत देने के लिए इनकार कर दिया। रिफ्यूज़ इनकार करना, द बेल, बेल मतलब जमानत, एक्टिव वाइस है ये। इसका पैसिव वाइस क्या है? हिज बेल हैज़ रिफ्यूज्ड बाय द कोर्ट। नंबर सिक्स, माहा इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। माहा गा रही है ब्यूटीफुल सॉन्ग, खूबसूरत गाना। माहा एक खूबसूरत गाना गा रही है, ये एक्टिव वाइस है। इसका पैसिव वाइस होगा अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज सिंगिंग बाय
बाय माह। ओके, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इज बीइंग संग बाय माहा। एक खूबसूरत गाना माहा के माहा ने एक खूबसूरत गाना गाया। जमील क्लीन्ड हिज कबर्ड। जमील ने अपनी अलमारी साफ की। है एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस होगा। कबर्ड कबर्ड हैज बीन क्लीन्ड बाय जमील। नंबर 8, आलिया कलेक्ट ओल्ड क्लॉथ्स फॉर पुअर। आलिया ने जमा किए पुराने कपड़े गरीब लोगों के लिए। द ओल्ड क्लॉथ्स फॉर पुअर आर कलेक्टेड बाय आलिया। अ लेटर वॉज टॉर्न इन टू पीसीज बाय अमजिद। अमजिद ने इस खत को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। टॉर्न लाइक पाड़ना। अमजिद ने लेटर को पाड़ा, छोटे छोटे हिस्सों में पाड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में पाड़ा। टॉर्न इन टू पीसीस, छोटे टुकड़ों में पाड़ने को टॉर्न इन टू पीसीस कहते हैं। ये पैसिव वॉइस है। अमजिद टॉर्न अ लेटर इन टू पीसीस। अमजिद ने खत को छोटे टुकड़े में पाड़ दिया। द स्ट्रेंजर वॉज सीन बाय द नेबर। पैसिव वॉइस है। एक स्ट्रेंजर को देखा गया। स्ट्रेंजर मतलब अजीब, नहीं अजीब नहीं, जिसको हम नहीं पहचानते उसको स्ट्रेंजर कहते हैं। स्ट्रेंजर वो बंदा होता है जिसको हम नहीं पहचानते, उसको पता नहीं उर्दू में क्या वर्ड कहते हैं, पर जिस बंदे को हम नहीं पहचानते उसको अजनबी, सॉरी अजनबी, इसको अजनबी कहते हैं उर्दू में। अजनबी वॉज सीन बाय नेबर्स। पड़ोसियों ने अजनबी को देखा। नेबर सी अ स्ट्रेंजर। और पड़ोसियों ने अजनबी को देखा। ठीक है, ये इसका एक्टिव वॉइस ये होगा। ओके, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका इनडायरेक्ट कौन सा होगा? ही से दे विल हर्ट यू। ही सेड टू मी। वैसे टू मी तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट चले लिख लेते। ही सेड टू मी दैट दे वुड हर्ट मी। ये इसका इनडायरेक्ट है। द फादर सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड। अब वालिद ने मुझसे कहा कि आपको मेहनत करनी चाहिए। द फादर सेड टू मी दैट आई मस्ट वर्क हार्ड। फादर ने वालिद ने मुझसे कहा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। डायरेक्ट क्या होता है? माई फादर सेड टू मी, मेरे बाप ने मुझे कहा यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? माई फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने मुझे कहा दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, के मुझे मेहनत करनी चाहिए। एक होता है फादर ने मुझे कहा, लाइक जिस तरह बाप की तरफ से हम बोल रहे हैं, फादर ने मुझे कहा कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। और दूसरे इनडायरेक्ट कैसा होगा? फादर ने मुझे कहा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये डिफरेंस है। शी सेड, उसने कहा, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू कराची, उसने कहा मेरे वालिदैन कराची जा रहे हैं। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? शी सेड दैट, उसने कहा के, दैट मतलब के, हर पेरेंट्स वर गोइंग टू कराची, के उसके माँ बाप कराची जा रहे हैं। उसने मुझसे कहा कि मेरे मेरे माँ बाप कराची जा रहे हैं। उसने मुझसे कहा कि उसके पेरेंट्स कराची जा रहे हैं। उसने मुझे कहा मेरे पेरेंट्स कराची जा रहे हैं। थोड़ा सा रुक कर बोलना है। डायरेक्ट जो होता है थोड़ा सा रुक कर बोलते हैं, और इनडायरेक्ट में बिल्कुल रुकते नहीं हैं। उसने कहा मेरे वालिदैन कराची जा रहे हैं। उसने कहा मेरे वालिदैन कराची जा रहे हैं। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? उसने कहा कि उसके वालिदैन कराची जा रहे हैं। लेकिन इसमें रुके भी नहीं और उसने डेट लगाया, के लगाया उसने। उसने कहा कि उसके वालिदैन कराची जा रहे हैं। मदर सेड, माँ ने कहा, वेयर आर यू गोइंग। माँ ने कहा वेयर आर यू गोइंग। माँ ने कहा, मदर सेड वेयर आर यू गोइंग। माँ ने कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। माँ ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या है? मदर आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। माँ ने कहा
कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। डिड यू कम फ्रॉम लाहौर, सेड सारा टू अ बॉय। क्या आप लाहौर से आए हो, सारा ने उस लड़के से कहा। क्या आप लाहौर से आए हो, सारा ने उस लड़के से कहा। इसका जवाब क्या होगा? सारा सेड द बॉय इफ ही कम फ्रॉम कराची। सारा ने लड़के से कहा कि क्या वो कराची से आया है। एक दफ़ा उसने लड़के से डायरेक्ट पूछा क्या आप कराची से आए हो। तो फिर जब मैं किसी को बताऊंगा, मैं ये कहूंगा सारा ने उस लड़के से पूछा कि वो कराची से आया है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट बात होती है, मैंने सामने के सामने बात की, दूसरी इनडायरेक्ट होती है, तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। 154 नंबर पेज हो गया। अब हम करेंगे 155 पेज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये तो साफ नजर नहीं आ रहा हो। हाँ, ये देखिए, अब साफ नजर आ गया। आई बॉट डैश अ प्रेजेंट। आई बॉट हिम अ प्रेजेंट। हिम उसके लिए, मैंने उसके लिए तोहफा खरीदा। ही थ्रीव द बेगर फूड। उसने भिखारी का खाना गिरा दिया। ही थ्रीव द बेगर फूड। उसने भिखारी का खाना गिरा दिया, तो इसमें आएगा फूड। द ब्रिटिश कॉन्सल ऑफर्ड हिम अ जॉब। ब्रिटिश कॉन्सल ऑफर्ड हिम अ जॉब। ब्रिटिश कॉन्सल ने उसको नौकरी का ऑफर दिया, की पेशकश की। द मैन सेंट मी अ मैसेज। उस आदमी ने मुझे पैगाम भिजवाया। माई फ्रेंड हिट अ बाल। मेरे दोस्त ने बाल को निशाना बनाया या बाल को लात दी, बाल को हिट किया। ओके, लाइक बैट से बाल को मारा, मेरे दोस्त ने बाल को मारा। पाव से मारते हैं या बैट से मारते हैं। वी रैन टू स्कूल। हम स्कूल के लिए भागे। सो वी रैन टू डैश। हम डैश के लिए भागे, हम स्कूल के लिए भागे। माई सिस्टर वेंट टू द मार्केट। मेरी सिस्टर वेंट टू द डैश वेंट टू द मार्केट। मेरी सिस्टर मार्केट चली गई। द अर्थक्वेक शुक इज क्रेजी। अर्थक्विक के झटके, शुक मतलब झटके, अर्थक्विक मतलब जलजले के झटके, स्केरी बहुत डरावने होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। द सिंगर सेंग अ सॉन्ग। अ सिंगर गाना गुलकार ने सेंग अ सॉन्ग एक गाना गाया। विल यू बाय मी अ बुक। क्या आप मेरे लिए किताब खरीदेंगे। ए बुक इसमें खाली जगह में आएगा, ए बुक। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। कहाँ है ब्रैकेट में? अच्छा, इसमें जो आपने इसमें एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड यूज करना है। ओके, जो भी इसमें आएगा वो आप यूज करोगे। ओके, द बर्ड इज टू फ्लाई एज द फिश इज टू स्विम। द बर्ड इज टू फ्लाई। बर्ड मतलब परिंदा फ्लाई करता है, उड़ता है। एंड द फिश इज स्विम, और मछली तैरती है। द पैरट इज फेदर। पैरट के ऊपर पर होते हैं। एंड बेयर इज टू फर, और बेयर के ऊपर फर होता है। पैरट्स मतलब तोते के ऊपर पर होते हैं ना, आपने देखे पर, फेदर, फेदर मतलब पर, उर्दू वाला पर। एंड द बेयर इज फर, और बेयर के ऊपर फर होते हैं। फर ऐसे होते हैं जिससे हम ऐसा ऐसे बाल होते हैं, उसके ऊपर बाल होते हैं, फर वैसे बालों को कहते हैं। और फेदर होते हैं, फेदर किसको कहते हैं, फेदर होते हैं परिंदों के पर जो होते हैं। इस तरह देखे तोतों के ऊपर कुछ और होता है, पर अगर आप बकरी या आप बैल के ऊपर देखोगे तो बैल के ऊपर फर होता है, ठीक है, उसके ऊपर बाल होते हैं, तो उसको फर कहते हैं। जेब्रा स्ट्रिप्स। जेब्रा के ऊपर लाइंस होती है। एंड जराफ, जराफ इज टू मार्क, और जराफ के ऊपर धब्बे होते हैं। उसके जेब्रा को अगर आप देखें उसके ऊपर सफ़ेद और काले लाइंस होते हैं, और जराफ के जराफ जराफा उसको कहते हैं उर्दू में, जराफा, जराफ
इज टू मार्क, और जेरेफ के ऊपर धब्बे होते हैं उसके जिस्म पर, लाइक एक कलर होता है उसके ऊपर दूसरे कलर के धब्बे होते हैं। गूस इज टू फ्लॉक एंड फिश इज टू स्कूल। गूस मतलब बतख इज टू फ्लॉक, बतख के झुंड को, बतख जब इकट्ठे होते हैं उसको फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक। एंड फिश इट इज टू स्कूल, और जो फिश होता है, जो मछली होती है, वो जब इकट्ठे होते हैं उसको स्कूल कहते हैं। मछलियाँ जब इकट्ठी होती है उसको स्कूल कहते हैं, और बतख जब इकट्ठे होते हैं उसको फ्लॉक कहते हैं। एंट इज टू सिक्स, सिक्स लेग्स। एंट मतलब चींटी के छः पैर होते हैं। एंड स्पाइडर, मकड़ी इज टू एट, और मकड़ी के आठ पैर होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, यूज फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ये जो नीचे है उसमें आपने पंक्चुएशन लगवाने हैं, मतलब उसमें आपने लगाना है फुल स्टॉप लगाना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना है, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको ये वाला साइन कहते हैं, ये लगाना है। आई एम सो एक्साइटेड टू सी माई फैमिली फॉर द ईद, मैं बहुत खुश हूँ कि अपने खानदान को ईद के दिन देखूंगा, तो इसमें फुल स्टॉप आएगा। वट डे ऑफ द वीक इज योर फेवरेट, आपके हफ्ते में कौन सा दिन पसंदीदा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए क्वेश्चन आएगा। ये उसने एक सवाल पूछा है तो ये क्वेश्चन आएगा, जिसमें देखिए ये भी है। यू नीड टू डू योर होमवर्क राइट फॉर राइट आफ्टर डिनर, आपको आपका होमवर्क करना है राइट आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद आपको अपना होमवर्क करना है, फुल स्टॉप। प्लीज टेक आउट द ट्रैश व्हेन यू गेट होम, प्लीज टेक आउट द ट्रैश, कूड़ादान को बाहर रख दो। व्हेन यू गेट होम, जब तुम घर आओगे तो कूड़ादान को बाहर रखो, फुल स्टॉप, क्योंकि एक बात कही है। माई फेवरेट टीम वॉन द गेम, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मतलब खुशी का निशान है। माई फेवरेट टीम वॉन द गेम, मेरे पसंदीदा टीम ने मैच जीत लिया। नंबर सिक्स, व्हाट डिड यू वांट टू ईट फॉर लंच, आप लंच के लिए क्या खाना चाहेंगे, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एक सवाल है तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। 156, व्हाई डू दे टेक यू ऑन लंच, वो आपको लंच के लिए क्यों लेकर गए, पैसिव वाइस इसका पता करना है, ये एक्टिव वाइस है, इसका पैसिव वाइस पता करना है। सॉरी इसमें नजर नहीं आ रहा मुझे। पेज नंबर 156 से वाई डू, ये एक्टिव वॉइस दिया गया हुआ है, इसमें चार पैसिव वॉइस है, उसमें करेक्ट वाला आपने चूज करना है। वाई डू दे टेक यू ऑन लंच, वो आपको लंच पर क्यों ले जाना चाहते हैं। वाई आर यू टेकन बाय देम ऑन द लंच, वाई आर यू टेकन बाय देम ऑन द लंच, ऑन लंच सॉरी। विल शी अपोज देम, क्या वो उनकी मुखालिफत करेंगी, क्या वो उनकी, विल दे बी अपोज बाय हर, क्या वो उनके मुखालिफत, क्या वो उसके मुखालिफत, क्या वो उसके मुखालिफत करेंगी। विल देर अटेंड द मीटिंग, क्या वो मीटिंग में जाएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस है। विल द मीटिंग बी अटेंडेड बाय देम, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आपको तैरना आता है। इट इज बींग नोन बाय, इज इट बींग नोन बाय यू हाउ टू, इज इट नोन बाय, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, इज इट नोन बाय यू हाउ टू स्विम, क्या आपको तैरना आता है। व्हाई डज ही ऑलवेज ब्लेम अदर्स, वो क्यों हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाता है। व्हाई आर अदर्स ऑलवेज ब्लेम्ड बाय हिम, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, पेज नंबर 156 हो गया। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने तालीम पर तवज्जो दीजिए, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।